क्योंकि तब तक उसका गुस्सा ठंडा हो चुका होता है। उसके बाद वापस आएगा या नहीं आएगा ये उस पर डिपेंड करता है। आपको धोखा देने वाला, आपको चीट करके जाने वाला, आपका एक्स जिसने ब्रेकअप कर लिया है, क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा? वो क्या अपनी गलती के लिए कभी पछताएगा? कभी आपको खोने का उसको दुख होगा या नहीं होगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। शुरू करते हैं। देखिए, मैं डिटॉक्स फैमिली। ब्रेकअप के बाद एक दुख होता है कि पार्टनर आपको छोड़ के जा चुका है, अब आप अकेले हैं। दूसरा दुख होता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ इतना कुछ गलत कर दिया और उसको उसकी गलती का एहसास भी नहीं है। ये चीजें आपके दिल को ज्यादा दुखाती हैं। अक्सर आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास में आते हैं, आप एक ही चीज जानना चाहते हो कि मैम उसको कब एहसास होगा कि उसने इतनी बड़ी गलती की, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे धोखा दिया, क्या वो कभी पछताएगा? ये चीजें आप हमेशा जानना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो आप समझिए कि हाँ, ऐसा होता है। ब्रेकअप किसी ने भी क्यों ना किया हो, चाहे वो आपने किया चाहे वो उसने किया, कुछ भी हुआ हो इस रिश्ते में, उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होता है और वो अभी नहीं होता। क्या होता है, ब्रेकअप के बाद शुरू शुरू में ना पार्टनर दूसरे को ब्लेम करता है, उसे लगता है मैं ठीक और सामने वाला गलत, और उसे भी यही लग रहा है कि जो ब्रेकअप हुआ है ना वो आपके वजह से हुआ है, उसकी गलती नहीं है। वो दुखी है लेकिन वो जानता है कि आपके वजह से सब कुछ बिगड़ गया, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया आपके साथ। बट ये शुरुआत में ही होता है। धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता है ना, 10 दिन 15 दिन एक महीना गुजरता है, उसके साथ में इंसान की एक दूसरी स्टेज आती है आफ्टर ब्रेकअप, वो होती है सेल्फ एग्जामिनेशन की, जहां पर दूसरा वाला बंदा, जो दूसरा वाला पार्टनर है, वो ये सोचना शुरू करता है कि मेरी कहां गलती रही, क्योंकि तब तक उसका गुस्सा ठंडा हो चुका होता है और फिर दिमाग में यही चलता है कि मैंने क्या गलत कर दिया। उस तुमने तो गलत किया, उसको पता है, लेकिन उसने क्या गलत किया ये उसके दिमाग में आता है। और धीरे धीरे, क्योंकि वक्त गुजर चुका है उस ब्रेकअप को, उसको अपनी सारी हरकतें सारी बातें याद आती हैं, हर एक चीज दोबारा से रिवाइंड होती है, रिकॉल होती है, और हर वक्त उसके दिमाग में यही चलता है। और फिर एक इंसान अपने साथ में सच्चा होता है, वो सामने वाले को कितना भी झूठ बोले, आपको ब्लेम करेगा दूसरों के आगे, वो अलग चीज है, लेकिन अंदर से हम सब जानते हैं हम कैसे हैं, और उसके दिमाग में दिन में एक चीज निकल के आती है कि हाँ गलती तो उसकी भी थी। फिर उसको रियलाइजेशन होता है कि हाँ मैंने ये काम गलत कर दिया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो इस बात की फिक्र मत कीजिए कि उसको कभी एहसास नहीं होगा, डेफिनेटली उसको अपनी गलती का एहसास होने वाला है, बट थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद, कम से कम 1-1.5 महीना गुजर जाएगा तब उसको अपनी गलती का एहसास होना शुरू होगा। अब बात आती है कि क्या वो पछताएगा, क्या वो वापस आना चाहेगा। तो ये डिपेंड करता है उस इंसान पर, आपके रिश्ते पर और आपके ऊपर। एक तो ये हो सकता है कि उसको ये पता हो कि गलती तो मैंने भी की है, लेकिन उसके बाद वो ये जानता हो कि आपके साथ उसकी बन ही नहीं सकती थी, इसलिए वो पछता तो रहा है अपनी गलती के लिए, उसको एहसास है अपनी गलती का, लेकिन वो वापस नहीं आना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि आपके साथ उसकी पटेगी ही नहीं। दूसरा हो सकता है कि वो वापिस आना चाहे, उसको गलती का एहसास हो और उसको ये रियलाइजेशन हो कि आपसे ज्यादा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, और फिर वो आपके पास आना चाहे, उसको लगेगा कि वापस जाना चाहिए, एक बार सॉरी बोलना चाहिए, मनाना चाहिए, और फिर वो एफर्ट्स करना शुरू कर देगा और उसके एफर्ट्स आपको दिख जाएंगे। जिसने ब्लॉक कर रखा है अभी तक, वो आपको अनब्लॉक कर देगा, आपके मैसेज का रिप्लाई लेना शुरू कर देगा, कभी कभी उसकी कॉल आएंगी, नॉर्मल बात करेगा, तो उसके एफर्ट्स दिखेंगे और उसके एफर्ट्स बताते हैं कि उसको अपनी गलती का एहसास है।
तो गलती का एहसास तो होता ही होता है, ये 100% है, सबको होता है, क्योंकि सेल्फ एग्जामिनेशन हम सब करते हैं थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद, और वहां पर हम ऑनेस्टी के साथ में अपनी गलती भी देख पाते हैं। उसके बाद वापस आएगा या नहीं आएगा ये उस पर डिपेंड करता है। अब बात आती है कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या उसका वेट करना चाहिए। तो अभी आप उसको टाइम दो, उसके पीछे मत जाओ, और आप अपने आप को हील करने पर अपना वक्त गुजारो। आपको अपने आप को ठीक रखना है, और ठीक रखते हुए अपने आप को मूव ऑन करिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। उसको आना होगा तो वो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, उसके बारे में ज्यादा सोचिए मत। अगर उसकी गलती रही है, ब्रेकअप उसने किया था, फिर तो कभी भी उसके पास जाने की सामने से मत सोचना। तो आपको सिर्फ अपने आप को हील करने पर ध्यान देना है, आगे बढ़ने पर ध्यान देना है। होप आपको समझ में आए, जो आपकी बेचैनी है ना वो खत्म हो जाएगी इस वीडियो के साथ में, खत्म हो चुकी होगी। आपको आपका आंसर मिल चुका होगा, मिला है या नहीं मिला है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा ऐसी कौन सी बात है जो आप जानना चाहते हैं अपने एक्स के बारे में, अपने ब्रेकअप के बारे में, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, उसका आंसर मैं वीडियो बनाकर डेफिनेटली दूंगी। और साथ में अगर आपकी लाइफ में स्टिल कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसके रिगार्डिंग आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।